Good morning class, welcome to your channel knowledge oriented. जैसा कि आप लोग को पता चल गया है डेट शीट भी आ चुकी है बोर्ड की, बोर्ड जो भी होने वाला है आपका 10th बोर्ड. तो हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग चीज़ें कौन सी देखेंगे, हम लोग इस वीडियो सेगमेंट में जितने भी आगे वीडियो आते चले जाएंगे इसमें हर एक साइंस के चैप्टर्स जितने हैं आपके 10th क्लास साइंस के चैप्टर जितने हैं, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, उन सबको उठाया जाएगा. सारे के सारे कंटेंट देखे जाएंगे, मगर मैं वही कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके लिए जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर आप और इसको क्लियरली समझना चाहते हैं तो कहने का मतलब कि जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, ठीक है, जितनी मेरी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं ये आपको पुट कर रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए कंटेंट. तो आपको इससे जितना फ़ायदा, जितना बेनिफिट उठा सकें उठाइए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. अब तो हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी से उठाएंगे एक चैप्टर, ठीक है. बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी में जो आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, अगर आपको ध्यान होगा तो लाइफ प्रोसेसेस, सभी ज्यादातर स्टूडेंट्स का इसी में प्रॉब्लम होता है बायो से कि सर ये समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है. तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी से ही कंटेंट लेते हैं और फटाफट इससे करना शुरू करते हैं. आपको ये पता है कि मैं सर वही करवाऊंगा, करवा रहा हूँ इस पूरे वीडियो सेकंड में, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अब ज़्यादा ही हेल्पफुल है, ठीक है. तो सर वही कंटेंट लेंगे, पूरी कहानी नहीं समझेंगे. कहने का मतलब अगर लाइफ प्रोसेस में देखा जाए तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इन दोनों में अगर इम्पॉर्टेंट देखें तो हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइट्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखने को मिला है. तो हम लोग सर वही कंटेंट करेंगे, ठीक है. तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप यही करके चले जाइए, आपको पढ़ना सब कुछ है. जो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है जितना मैंने देखा है पेपर में इम्पॉर्टेंट जो भी पुट होते हैं, मैं उसके हिसाब से सारा का सारा आधार जो उठा के आपके सामने यहाँ पर पुट कर रहा हूँ. तो उस वो है ये चीज़, पढ़ना आपको सब है. पहले फिर से बोल रहा हूँ कंटेंट ये सिर्फ इसीलिए इतना ही है, कम दिखेगा क्योंकि जो मुझे लगता है इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंस रखता है वो, ठीक, ये मेरे हिसाब से. अब आप कहीं से भी फॉलो कीजिए, किसी भी चीज़ को देखिए, कितना भी कंटेंट पढ़िए, हमेशा कंटेंट हमेशा कम ही होता है. चाहे आप कितना अगर आप पढ़ाई करते हैं और पूरी डेडिकेटेड हैं एजुकेशन की तरफ तो आपको ये समझ में ज़रूर आएगा कि कंटेंट आप किसी का भी कुछ भी पढ़ लीजिए वो आपके लिए कम ही है, पूरा कभी नहीं होगा, ठीक है, तभी रिसर्च होते रहते हैं. चलिए तो हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस से, इसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले देखते हैं. लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा आपका हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से. अब ये जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जा रही है इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. ये जो ज़्यादा चमक रहा है इसको अभी रहने दीजिए, बाद में जब होगा इसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, ये जो आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, इस चैप्टर में हम लोग सारा अभी कंटेंट कर रहे हैं, ठीक. चलिए देखते हैं आगे. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट है सेप्रोफाइट्स, ठीक, सेप्रोफाइट्स. और सेप्रोफाइट्स के अंदर आप लोग जानेंगे सबसे पहला ए सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है. सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है. सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया. देन इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट इसमें आपका इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको अगर याद होगा तो एक जगह क्वेश्चन है कहीं पे कि हाउ सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड, किस प्रकार सेप्रोफाइट्स अपना फूड ग्रहण करते हैं या किस तरीके से वो बनाते हैं. सो कौन सा मोड है, ऑब्वियस हमें पता है कि सेप्रोफिटिक मोड है, सेप्रोफाइट्स की बात हो रही है. तो ये वाला जो क्वेश्चन है हाउ सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे हिसाब से,
हाउ सेप्रोफाइट्स क्या होगा ऑब्टेन देयर फूड, इस चीज को हम लोग इस में अभी कवर करेंगे। हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके, पूरा पैटर्न बना के रखा हुआ है मैंने, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं। क्योंकि सेकेंड है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट में, जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस देखेंगे, पिगमेंट और किस प्रकार होता है उसके पूरे स्टेप्स बाय स्टेप्स। देन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम लोग बात करेंगे, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो हम लोग अगर देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली कहानी उस चीज़ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखता है। उसका डेंटल प्लेक का डेफिनेशन का भी देखने को मिलता है, डेंटल प्लेक भी एक डेफिनेशन पुट कर दिया जाएगा। देन रेस्पिरेशन में एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस देखने को मिलता है। ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट सिर्फ मेरे हिसाब से डिफरेंस है। डिफरेंस आया तो आया 3 मार्क का, नहीं तो छोड़िए उसको। देन रेस्पिरेशन, मगर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें उस रेस्पिरेशन में आपने देखा होगा ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, पाइरूवेट सब का जो है, तीन तीन चार हैं जिसमें एनारोबिक एरोबिक है, प्रेजेंस ऑफ एयर एब्सेंस ऑफ एयर वाला, वो रिएक्शन बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ज़्यादातर देखने को मिला है कि ओ आर के टाइप में आता है, ये कीजिए या ये कीजिए, तो इस तरीके से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट और काफ़ी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंस है उसी सेलेक्टेड चीज़ों को कंटेंट यहाँ पर आपको प्रेजेंट किया जाएगा, आप उसको ध्यान दें और अपनी बॉडी की प्रिपरेशन बेस्ट बनाएं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं। पहले इस टॉपिक को लिखूंगा, इसका कंटेंट पूरा करवा दूंगा आपको, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ यही कहानी है, पूरा कहानी नहीं, क्योंकि कहानी आपने सब कुछ सीख लिया है पहले, जितनी थ्योरी पढ़नी होगी आपने कहीं तो पढ़ा होगा, स्कूल में तो पढ़ा ही होगा ना, और भी तो पढ़ते ही हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं से, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियो, तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे मोड हैं आपके पास, कहीं से भी देखिए, आपके मींस की कमी थोड़ी ना आजकल के ज़माने में। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, आपने कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सारा कंटेंट पहले से करके रखा हुआ है, सारे के सारे डेफिनेशन आपने करके रखे हैं। मैं सिर्फ आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इसमें क्या चीज़ें लिखनी होती, क्या चीज़ें बेकार हैं, जो बेकार है वो तो डिस्कस करनी नहीं। ठीक है, जो आपको लिखना है जिससे आपके मार्क्स मिलते हैं, जिससे आपको पूरी की पूरी आपको इससे पता चलता है कि आपका कंटेंट मैटर, आपका कंटेंट पूरा का पूरा, आप उस पर्टिकुलर डेफिनेशन का, उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में पूरी तरीके से आप जानते हैं। ठीक है, उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक पूरे सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी, पहले हम बायोलॉजी का सेगमेंट उठा रहे हैं। बायोलॉजी में आपका चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस से, ये पहला टॉपिक है आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें आपका सेप्रोफाइट सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ सेप्रोफाइट ऑब्टेन देयर फूड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, देन सेप्रोफाइट उसका सेकेंड टॉपिक लेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, थर्ड फोर्थ जो भी उसके साथ चैप्टर खत्म करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स हैं क्या, सेप्रोफाइट्स तो ऑर्गेनिजम्स हैं ना भाई, ऑर्गेनिजम्स, ये क्या हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इन्हें सेप्रोफाइट्स क्यों कहा गया, ये सेप्रोफाइट्स इसलिए कहे गए क्योंकि ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग प्लांट मैटर या ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड जनरेट करता है, अपना फूड ऑब्टेन करता है। ठीक है, उसके बाद इसी में एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड, आपको फिर से याद दिला देता हूँ, इसमें कंटेंट में सिर्फ इसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसका पूरा डेफिनेशन और वो सब नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, क्योंकि आपने ये पहले से ही लिख रखा है, तो अब लास्ट है, अब 28th से शुरू होने वाला फेब से, उसमें करके क्या करने का, अब जब आपने पहले से ही सारा कंटेंट किया हुआ है तो डेफिनेशन दोबारा से मेरा वाला थोड़ा ना पढ़ेंगे आप, पहले से पढ़ा हुआ है, तो सिर्फ हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट आते हैं इसी में, पहले हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक लास्ट एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लगता है, हाउ सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड, ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, देखते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन आ गया, हाउ सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेप्रोफाइट्स किस प्रकार अपने खाना ऑब्टेन करते हैं, अब इसको देखेंगे। तो सेप्रोफाइट्स क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ही तो है भाई, और क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलिए ऑर्गेनिज्म आ गया। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इसमें करता क्या है, जो सेप्रोफाइट होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं आपके, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे जी रहा है ना, ठीक है, तो वही है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को वो सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक, सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब ये जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, और ये जो कन्वर्जन हो रहा है भाई, ये जो चीज हो रही है, ये हो कहां रही है, ये इनकी आउटसाइड द बॉडी हो रही है। अब देखो ये जो चीज बता रहा हूं उसको अब आंसर में कैसे पुट करते हो, पूरा स्टेटमेंट बनाते हो, उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। आउटसाइड द बॉडी, और ये करते कैसे, कुछ एंजाइम सेक्रेट करके ही करते हैं, कुछ एंजाइम सेक्रेट करके करते हैं। तो इसमें होना क्या है, हो क्या रहा है, सब हाउ सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड, सेप्रोफाइट्स किस प्रकार अपना फूड ऑब्टेन करते हैं इसको हम देखेंगे। सेप्रोफाइट्स हमारे एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, वो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके आगे देखते हैं फटाफट, वो करते क्या है, उसमें वो आते हैं किसी भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आ जाते हैं, उसको फूड ऑब्टेन करना है, देन उन्होंने क्या किया कि एंजाइम सेक्रेट करते हैं, वो कहाँ हो रहा है ये सारा प्रोसेस होगा उनका, आउटसाइड द बॉडी। एंजाइम उन्होंने सेक्रेट किया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था फूड का, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर थे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे। उसके बाद हम लोगों ने उसको देखा कि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को उन्होंने कन्वर्ट कर देते हैं वो सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर्स में, यानी कि सिंपलर सब्सटेंसेस में। क्या होता है सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल होंगे, आसान से वो डाइजेस्ट कर पाएंगे और अपना फूड यानी कि उनको ग्रहण कर पाएंगे। बाद में होता क्या, तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को कन्वर्ट कर दिया सिंपल सब्सटेंसेस में, आउटसाइड द बॉडी ये प्रोसेस हो रही है, कुछ एंजाइम्स का यूज किया है। उसके बाद ये करते क्या है, फिर ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये बाद में एब्जॉर्ब द फूड, बाद में वो क्या करते हैं, वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फूड को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होगा, क्या उन्हें खाना ग्रहण हो गया, समझ गए। तो इसको आप लिखोगे कैसे, हाउ सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड, सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड थ्रू सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच दे ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फूड इन टू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय सेक्रेटिंग सम एंजाइम्स और केमिकल सब्सटेंसेस, कहां पे, आउटसाइड द बॉडी, एंड देन एब्जॉर्ब्स द फूड, एंड दिस वे, इन दिस वे दे ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है, ये खत्म, अब आते हैं नेक्स्ट।